बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। मोहतीपुर स्थित मुख्य अभियंता के कार्यालय पर धरना दे रहे संघर्ष समिति के सदस्यों ने 9 अप्रैल से 72 घंटों का पूर्ण अवधिक हड़ताल करने का आह्वान किया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक तो कोई फॉल्ट को ठीक कर भी दिया जाता था, लेकिन 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक अगर कहीं भी विद्युत फॉल्ट होती है तो उसे ठीक नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सरकार को मुनाफे का राजस्व उपलब्ध करा रहे हैं, उसी जिलों का सरकार के द्वारा निजीकरण भी किया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों और जनता के लिए हित में नहीं है। कर्मचारियों का कहना था कि जन भावनाओं को देखते हुए सरकार निजीकरण के फैसले को वापस ले। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर संघ के इंजीनियर अभिषेक यादव और अजय कुमार ने बताया, प्रदर्शन हमारी मांग ये है कि हम लोग निजीकरण जो सरकार के द्वारा अभी फैसला लिया गया है कि 5 शहरों का निजीकरण किया जाएगा, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से लगातार कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो ये हमारा घर है, जो हमारा विभाग है, ये हमारे लिए घर है। हम गर्मी बरसात हर समय इसके लिए 24 घंटे तत्परता से काम करते हैं, तो इसको निजी हाथों में ना दिया जाए। और इस पे यही हमारी लड़ाई है कि ये हम इसको निजी हाथों में ना देकर के अगर सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि पहले भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार है, तो हम चाहते हैं कि ये सार्वजनिक जैसे पहले था वैसे रहे। निजीकरण से क्या असर पड़ गया जनता पे और कर्मचारियों पे? देखिए, निजीकरण से सबसे बड़ा असर तो जनता पड़ेगा। इस जनता को इतनी ज़्यादा समस्या होने वाली है, ये बिजली का बिल, जैसा कि आप जानते हैं कल के डेट में बिजली की दर बढ़ गई है। अब ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये सोची समझी साजिश है, और ये की जा रही है कि कल को जब 2 महीने के बाद टेंडर होगा और कोई कंपनी आएगी, तो जब वो कंपनी बढ़े हुए दर से बिजली को वसूलेगी, तो हम जब हमारी यहाँ की ग्रामीण जनता, शहरी जनता, जितनी भी प्रदेश की जनता है, जब वो परेशान होगी तो कंपनी भी यही कहेगी कि ये बिलें तो अप्रैल से बढ़ी हुई हैं, तो आपने अपने घाटे को पहले आप सरकार के फायदे के लिए 24 घंटे बिजली देते हैं, और इस पे तब ये कहते हैं कि नहीं, ये सरकार, हमारी सरकार ने बिजली बढ़ा दिया, सरकार ने बिजली व्यवस्था ये कर दी, 24 घंटे कर दी, 18 घंटे कर दी। जब सरकार बिजली व्यवस्था बढ़ा रही है तो घाटे की बात आती है तो बिजली डिपार्टमेंट क्यों जिम्मेदार? इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हम अपने ईमानदारी से 24 घंटे अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसका नतीजा और इसका प्रतिफल, इसका परिणाम हमें इस निजीकरण के उसमें न मिले। कब तक चलेगा आंदोलन आप? हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक ये सरकार द्वारा निजीकरण की ये जो मांग है इसको वापस नहीं लिया जा सकता। फिलहाल 9 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग 72 घंटे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। उस दौरान हम कोई भी काम, अभी हम लोग उपभोक्ताओं की समस्या और सुविधा के लिए हम अभी काम कर रहे हैं, बिजली पूर्ण रूप से हम चला रहे हैं, और उस 9 तारीख से हम बिजली चलाना बंद कर देंगे। 9 तारीख के बाद से हम बिजली चलेगी, उसमें यदि कोई बिजली के दौरान अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो कुछ भी अटेंड नहीं किया जाएगा। जो बिजली 9 तारीख से चलेगी वहाँ कोई हमारा वो नहीं रहेगा, तब से हम मेंटेनेंस भी देखना बंद कर देंगे। प्रदेश सरकार द्वारा, मतलब प्रदेश के 5 शहरों का जो अच्छे खासे फायदे में चल रहे हैं, जहाँ लाइन हानियाँ भी कम है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग धरने पर लगातार 19 तारीख से ही हैं। तभी से हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही है, लेकिन हम भी अड़ी गए कि जब तक हमारे विभाग का निजीकरण नहीं रोका जाएगा तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहे। क्या रणनीति आगे की? आगे की रणनीति यह है कि 9 तारीख से हम पूरी तरह से 72 घंटे के कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। 72 घंटे में जनता को असुविधा हो सकती है, अभी तक तो हम जनता की असुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। हम लाइन बंद नहीं कर रहे हैं, काउंटर खुले हैं, लोग बिल जमा कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना मतलब ध्यानाकर्षण आंदोलन चला रहे थे, लेकिन 9 तारीख से हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, और संपूर्ण कार्य बहिष्कार में 72 घंटे हम कोई काम नहीं करेंगे।
आंदोलन में अगर बिजली खराब हो गई तो बिजली भी नहीं बनेगी, जनता को भी असुविधा हो सकती है, हो सकता है सरकारी कार्यालय ऑफिस की भी लाइन खराब हो तो न बने तो सरकार को भी असुविधा होगी।